रहा था चंबल में, उसके बाद में फिल्म रिलीज होना, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, फिल्म बिना देखे किसी फिल्म को क्रिटिसाइज करना, मुझे लगता है कि इस आदत के ऊपर हमें और आपको सबको विचार करना चाहिए। एक बार फिल्म देखें और देखने के बाद अगर आपको उसमें कुछ अन्यथा बात लगती है तो निश्चित रूप से हमको अधिकार है किसी भी फिल्म की आलोचना। साथ ही साथ सर, देश में काफ़ी कुछ हो रहा है, सड़कों में काफ़ी कुछ हो रहा है, लोगों में गम का भी माहौल और खुशियाँ भी मनाई जा रही, क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? देखिए, एक देशवासी के नाते निश्चित रूप से ये जितनी भी घटनाएँ इस समय घट रही हैं तो ये आतंकी मानसिकता होती है, और आतंकी मानसिकता के बारे में हमको और आपको सबको ये मान के चलना चाहिए कि दूध पिलाने से सांपों का धर्म नहीं बदला करता, शबनम की बूंदों से जलता जंगल बुझा नहीं करता, और नामुमकिन है इंसानों का हैवानों से यार आना, आदमखोरों की नस्लों को अमन परस्ती से खिलाना। साथ ही साथ पाकिस्तानी एक्टर्स को, टैलेंट को बैन कर दिया इंडिया में, उसके अब सोन चिड़िया के बारे में बात करेंगे, सोन चिड़िया के बाद, है ना? थैंक यू सो मच, गुड लक सर। I am very excited for a lot of reasons. The kind of work which Abhishek does is something which I really look forward to. Ishkia, Urta Punjab, every work which he has done is something which is different he brings out. Also he brings out the rustic flavor of our country very beautifully. So something that very excites me very much. Apart from that, what's happening in Son Chiriya is the cast is, I think, terrific. Everybody is one Dhakad actor or the other. So I'm really looking forward to that also. And I'm really hoping for some really superlative performances. I haven't heard of any criticism, I don't know. साथ ही साथ आजकल सीमा पे जिस तरह के वॉर चल रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ कहना, being Indian क्या कुछ कहना चाहते हैं? I don't think this is the right place to talk about something which is that serious, you know. I think we need a proper forum to discuss something which is of national importance and so serious, you know. So maybe this is not the right place to discuss. Being Indian sir, आप Bollywood का हिस्सा हैं, तो Bollywood में जो पाकिस्तानी talent है उनको जिस तरह ban किया है उसके बारे में क्या कुछ कहना आपका? See, my funda is very simple, you know, whatever is in the interest of the nation, whatever goes perfectly fine with the sentiments of the nation should be supported and should be encouraged. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Good luck sir. बहुत ही खास फिल्म है, आप स्क्रीनिंग का हिस्सा बन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पिक्चर होगी, मेरी एक्सपेक्टेशन है। सुशांत बहुत अच्छा एक्टर है और अभिषेक चौबे जी हमेशा अच्छी पिक्चरें बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये पिक्चर भी अच्छी होगी। सुशांत सिंह राजपूत, बहुत सारी दूसरी जो कास्ट है वो भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, मनोज वाजपेयी, भूमि पेडनेकर, एवरीबडी इज परफॉर्म्ड वेरी वेल। वो हमेशा अच्छे एक्टर हैं, सब पिक्चरों में बहुत अच्छा काम करते हैं। भूमि भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मुझे लगता है ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। ओके, फिल्म को ऑल्सो काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला है चंबाल में शूटिंग होने की वजह से, वहाँ पे ट्रेलर को काफ़ी क्रिटिसाइज किया, उसके बावजूद क्रिटिसाइज क्यों किया? क्रिटिसाइज किसने किया? मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है अच्छा है ट्रेलर, जो पिक्चर का जॉनर है वही ट्रेलर में दिखाया है, तो आई डोंट थिंक सो इतना कोई उसकी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आई थिंक दिस फिल्म शुड डू वेल। आई थिंक इंडिया बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और जो भी हो रहा है इंडिया जो भी कर रहा है बहुत सही कर रहा है। हम सब गवर्नमेंट के साथ हैं, हम सब लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, जो डिसीशन वो लेंगे वो देश के लिए अच्छा ही होगा, और हमेशा सही हुआ है। साथ ही साथ सर, बॉलीवुड सिनेमा के आप बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, उसके बारे में क्या कुछ कहना था, जिस तरह पाकिस्तानी टैलेंट को इंडिया में बैन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, डेफिनेटली अब तो बॉलीवुड कभी काम नहीं करेगा किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ, तो वो बहुत अच्छा स्टैंड है, उस सबको हम सपोर्ट करते हैं, उस स्टैंड को हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। क्या कुछ खास लेके आप आ रहे हैं उसके बारे में बताएं? क्या खास लेके आ रहा हूँ मैं? अच्छा, अरे मेरी 2-3 पिक्चरें का काम चल रहा है, अभी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगी उनकी। थैंक यू। अच्छा, एक मिनट।
ए हाँ दादा हेलो हाँ दादा पीछे आ मैं इधर कैसे To me, not only because she's a phenomenal actor of our times and she's never been afraid to try new things and she's never been afraid to like actually break out of her skin to be a character. So I'm quite excited to see her play Mrs. Tomar. But also because she's been very, very fascinating to work alongside as a co-actor, and that's my next film that's coming out and I'm so happy to see her work, and she's such an established actor, created a niche for herself, so I'm super excited and I can only wish her nothing but all the best. Mere liye to Bhoomi hai. Mere liye Bhoomi hai, but I'm really excited to see Ranveer Shore. I'm very, very excited to see Manoj Bajpayee, Shashant. So I'm quite excited about everybody in the cast. Okay, agar baat kare film ke trailer ji, जी आई थिंक एंटरटेनमेंट तो एक जरिया होता है अपनी बात बताने का, और अगर हम एंटरटेनमेंट को ही वो वैल्यू नहीं देंगे तो फ़ायदा नहीं है. और मोर इम्पॉर्टेंटली, हमने हाल ही में बहुत वाद विवाद देखे हैं जहाँ पे लोग पिक्चर देखने से पहले ही अपने निर्णय पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. एक काम कीजिए ना, आप दर्शक हैं, आप दर्शक की तरह देखिए. अगर उसके बाद आपको इस बात से सहमति ना हो तो फिर आप इसके बारे में बात कीजिए, मगर इससे पहले कि आप देखें उसके बारे में बात करना मेरे हिसाब से नाइंसाफी. Being an Indian, being a human, I don't think war has ever helped any place or any situation. We've got people in places of power, in places of position, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, इस matter को solve कर सकते हैं, and I think it's fair to, you know, fight against terrorism. It is right, because there are a few people who are creating it to be more than terrible to be even called a human being on earth. They are insensitive, they have a set of, you know, preordained ideas which they turn against humanity itself. So I think I've always said this and I stand by it, and that is, I think as humans we need to be kind to one another and learn how to love and respect each other. And if that means it is an end of terrorism, then yes, it needs to happen. But war is not the answer to it. And I think as media, we need to be more. Hi, Bhoomi, Bhoomi, Bhoomi. Thank you. Sir. Sir. भाई यही कहना चाहूँगा कि होता क्या है कि जब आप ख़राब पिक्चर देख के निकलते हैं और बाहर जब लोग ये सवाल करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना. लेकिन सोनम चरैया के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि एक नहायत अच्छी पिक्चर है और बहुत अच्छे स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा डायरेक्शन, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस, वेरी वेल रिटन, वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट. इट्स अ गुड फिल्म, इट्स रियली अ गुड फिल्म. साथ ही साथ यू नो चंबाल में काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर कि ऐसा माहौल नहीं है, ये वो करके. तो क्या लगता है इसके बावजूद फिल्म रिलीज़ होना कितनी बड़ी खुशी की बात है? नहीं, खुशी की और गम की बात नहीं, पिक्चर बनी हो तो रिलीज़ होगी और ज़िंदगी चलती रहती है, सब कुछ है. आप फिल्म के बारे में मुझसे पूछें तो बेहतर होगा कि फिल्म मैंने देखी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी. बल्कि सच बात तो मैं आपको बताऊं कि अभी मैं इन दिनों जो काम देखा है, जैसे
लोया की फिल्म देखी थी, फिर ये फिल्म देखी, फिर इस बीच में मैंने वो भी देखा, वो मेड इन हेवन। तो ये अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं और अलग अलग तरह की फिल्म्स हैं, लेकिन एक चीज़ जो इनमें कॉमन है वो ये है कि एक लेवल ऑफ रियलिज्म बहुत बढ़ गया है, और जो परफॉर्मेंसेस हैं, हमारे डायलॉग जो कभी होते थे वो थिएट्रिकल होते थे, लेकिन अब कितनी रियल कॉन्वर्सेशन होता है, और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ड्रामेटिक इफेक्ट। उसके बाद इफेक्ट वही है बल्कि ज़्यादा सच्चा है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस वर्क। अब उसे बोल्ड कहिए या कुछ कहिए, लेकिन वो बहुत मैच्योर राइटिंग है, कोई शक नहीं। साथ ही साथ अभी जो माहौल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में वॉर को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बीइंग एन इंडियन क्या कहेंगे? भाई देखिए, ये सिचुएशन तो एक्चुअली हम पे थोपी गई है, ये कोई हमारी चॉइस तो थी नहीं, लेकिन ये कि अब जब आपके सर पे आ गई है एक बात, तो आप क्या करेंगे? तो आप कब कितनी बार चुप रहे और कब तक चुप रहेगा आदमी? तो कभी तो रिएक्ट करना होगा। लेकिन अब देखिए, इसमें जो अब आगे हो रही हैं बातें वो ख़तरनाक हैं, और वॉर तो किसी को नहीं अच्छी लगती, लेकिन नहीं नहीं वो सब माइनर बातें हैं, वो छोड़िए, वो बैन कर दीजिए, उसमें तो कोई मसला थोड़ी, वो बहुत कोई बड़ा काम नहीं है, मगर ये जो सरहदों पे हो रहा है, बैन तो टेररिज्म होना चाहिए भाई, ये तो माइनर बातें हैं, इनको तो कोई इशू ही नहीं है। अफसोस की बात है, और मुझे मालूम नहीं कि ये क्या एजेंडा है और इससे इनको क्या फ़ायदा होगा। ये जो कॉन्स्टेंट ये जो टेररिज्म और स्पॉन्सरिंग टेररिज्म चलता रहता है, उसे कितना भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी इनकार करे, वो तो एक खुली सी बात है कि करते हैं वो। ये कौन था अज़हर मसूद? ये आदमी वो था जिसको एक हवाई जहाज़ के हाईजैक करके हिंदुस्तान से छुड़वाया गया, और उसके अफगानिस्तान से या कंधार से कैसे पाकिस्तान पहुंच गया, और पाकिस्तान ने उसे क्यों नहीं पकड़ा? अगर वो बिल्कुल ऑनेस्ट है वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट, सब बेकार बात है। कहाँ से जाऊँगा, यही तो एक एंट्रेंस है। अच्छा, tell us how much excited you are for watching, you know? Oh, I'm very excited. I started my journey with Abhishek sir. I was an assistant on Urta Punjab. So I'm terribly enthused and I'm very excited to see what he's done this time around. The inside news I have was that it was an even more challenging shoot. And he really has a penchant for making these heartland films, and so I'm very excited to see what he has in store. Okay, besides this, the cast, what do you have to say about? Well, they're wonderful actors, you know, they're such accomplished actors. So I'm looking forward to being inspired and seeing something new and fresh. Inshallah, aap wo unse poochiye. He's a wonderful director. It would be my pleasure to work with him. Lekin he has to, you know, come up with a script. He has to come up with an idea and then. जी. Sorry. देखिए, आई थिंक एनी वन हु इज़ सिटीजन ऑफ द कंट्री, नॉट इवन नेसेसरली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इज फॉलोइंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, यू नो, वेयर ऑल, आई मीन आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड से दैट आई एम वरीड, आई एम स्टर्ड, आई एम फॉलोइंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। आई हैव मैनी ओपिनियंस ऑन इट, but I think what's more important is to sit tight and see the steps that our government takes and the government of the neighboring country, and honestly from my end all I can hope for is for it to come to a peaceful rest and that not any no more lives are you know spent on being a
चलिए माफ कीजिएगा, आई एम गोइंग टू गो नाउ. थैंक यू सो मच अच्छी फिल्म लग रही है, अच्छा स्क्रिप्ट लग रहा है, अच्छा ट्रेलर है, तो बड़ा एक्साइटेड है सब देखने के लिए. मैं बहुत ये होता है और हमने ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुका, ट्वीट भी किया मैंने, मैंने पहले ही बोला है, मैंने इसके बारे में प्रतिक्रिया दी ऑलरेडी. सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की वजह से आया हूं. हम सभी really, really excited to see this. इनकी कसम खा के इनकी कसम खा सकता हूं मैं, वो आलिया वाला डायलॉग नहीं मालूम कि मर जाएगा तू. क्या बात है, स्टार कास्ट जो है वो बहुत से स्ट्रांग है, तो आपकी पर्सनल फेवरेट कौन है? मेरे सुशांत ही है. सुशांत सामने किस मतलब अब मैं बहुत इमोशनल हो गया, मैं कुछ नहीं बोल सकता. चलिए भाई पिक्चर देखते हैं. एक्चुअली मैं भी ये फिल्म पहली बार आज देखूंगा. भाई भाई सब बैठ के पहली बार आइए फोटो. Thank you so much. Thank you. T-shirt पे क्या लिखा है? Malibu. Dalia. Malibu. अभिषेक सर. Dalia में यार. अभिषेक सर यार right. Sir, one more right. Sir, right sir. मैम यो लेफ्ट साइड
बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई रियली लाइक द ट्रेलर. इट लुक्स वेरी एजी एंड यू नो वेरी रियल वेरी रॉ एंड दैट समथिंग दैट आई रियली आई मीन आई लव वाचिंग दैट एंड भूमि इज अमेजिंग सो आई एम हियर इन फुल सपोर्ट ऑफ भूमि. ओके, अगर बात करें स्टार कास्ट की तो यू नो स्टार कास्ट काफी स्ट्रांग है तो आपसे जानना चाहेंगे पर्सनल फेवरेट तो आपका कौन है? आई कांट नेम वन पर्सन फेवरेट. फर्स्ट आई वांट टू वॉच द फिल्म एंड सी what the film is, I mean how the what the film is about. It looks like it's really promising, so I'm sure it's going to be amazing, and I'm sure everyone's performed beautifully, so let's speak about that after the film. Okay, Diana, also abhi jo hal filhal mein jo situation chal rahi hai, you know, India Pakistan mein jo war and all ho raha hai, uske related kya kehna chahengi? Being an Indian, kya thoughts hai aapke? I mean, there are a lot of thoughts. I'm also the granddaughter of an army personnel, so I feel a lot for these things, but I, you know, I just hope that you know things settle down and you know there's nobody wants war at the end of the day, so and I really hope that you know our soldiers stay safe. Okay, being an artist, you know, okay, we have to go now because we're late. Last